जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लिट लकार के बारे में अध्ययन करेंगे। लिट लकार यानी भविष्यत काल। जिस लकार के अंतर्गत हिंदी वाक्यों में गा है, गी है, गे इत्यादि आते हैं, तो वहाँ पर हमेशा भविष्यत काल अर्थात लिट लकार का रूप होता है। लिट लकार का रूप और लट लकार का रूप एक समान है। अब अंतर कितना है देखिए। पट यानी पढ़ना, धातु का रूप लिखो। प्रूस सबसे पहले लिखेंगे, प्रूस एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का रूप जैसे आपको विदित होगा कि अपन जो लिट लकार लट लकार इन वर्तमान काल का रूप लिख रहे थे, तो उस समय एक बार अपन लट लकार का रूप लिख रहे थे तो पटती पटत पटंती, पटसी पटत पटत, पठामी पठाओ पठाम, ये रूप लिख रहे थे। लेकिन जो लिट लकार का रूप है वो भी पट लकार, जो पट धातु लट लकार का रूप है, वैसा का वैसा ये रूप चलेगा। विसर्ग वहीं लगेगा, मात्रा वो के वो लगेगी, छोटी ई की है तो छोटी ई की लगेगी, लेकिन अंतर क्या होगा कि बीच के अंदर है छोटी ई की मात्रा लगेगी धातु के अंतिम अक्षर में। जैसे प ठ है, जैसे व द है, तो द में छोटी ई की मात्रा, ये और ये स है, षटकोण वाला स आधा रहेगा, और य का य, कहने का मतलब ये वर्ण है ईष्य वर्ण, यानी श्य श्यति श्यति श्यत वर्ण साथ में रहेगा। अब कैसे देखिए, ये प ठ लिख दिया आपने। अब यदि लट लकार का रूप लिखना होता तो अपन पटती लिख दे, लिखते ना, तो अब इनको कैसे अपन भविष्यत काल का रूप लिख रही है कि यह मात्रा रहेगी। देखिए अब यदि इनका रूप लिखते हैं, वापस लिखते हैं बड़ा अक्षर में प ठ और ती, ये रूप है। अब अंतर क्या है, यहां छोटी ई की मात्रा लगानी है तो इसके अंदर छोटी ई की मात्रा लगा दी, और क्या लगा दिया, और स षटकोण वाला स आधा लगा दिया, ये आधा, और ये पटिष्यति, ये कहिए लग रहा है लट लकार का रूप, पीछे ई की मात्रा लग रही है, धातु वो लग रहे हैं, लेकिन क्या है धातु के अंतिम वर्ण के अंदर किसकी मात्रा आ रही है, छोटी ई की मात्रा आ रही है। तो इस प्रकार अगर यदि आपको लट लकार का रूप याद है तो आप लिट लकार का रूप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अब पट्टी सयति, पट्टी सयत, पट्टी सयंती, पट्टी सयसी, पट्टी सयथ, पट्टी सयत, पट्टी सयामी, पट्टी स्यावह, पट्टी सयामह, ये रूप आपके
लृट लकार यानी भविष्यत काल का रूप हो गया। लट लकार जैसा का जैसा है, कोई अंतर नहीं, लट लकार जैसा रूप है। जैसे पटी लिखते तो पटी सयति, अंतर क्या, पटी सयति यानी इससे लग रहा है बीच में, यानी धातु के अंदर अंतिम वर्ण में छोटी की मात्रा, तो सयति सयता सयंति, सयसी सयत सयत सयामी सयाव सयाम, तो पटी सयति पढ़ना है, पटी सयति ऐसे नहीं पढ़ना, पटी सयति पटी सयत पटी सयंति पटी सयसी पटी सयत पटी सयत पटी सयामी पटी सयाव पटी सयाम, इस प्रकार ये रूप लिखा जा सकता है। ऐसे इसमें पट धातु का रूप लिख रहे हैं, वैसे बहुत सारे लिख सकते हैं, पहले जैसे वध का लिख सकते हैं, लिख का लिख सकते हैं ना, लिख का लिख सकते हैं, और क्रीड का लिख सकते हैं, धाव का लिख सकते हैं, कितने भी धातु है, पत का लिख सकते हैं, पतति पतत पतंति पति यानी गिरना ना, इस प्रकार ये धातुएं का और भी अभ्यास साथ में किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका लृट लकार यानी भविष्यत काल का रूप। अब आपको ये साथ साथ में याद करना है, पटी सयति ही पटी सयत पटी सयंति ही पटी सयसी ही पटी सयत पटी सयत पटी सयामी पटी सयाव पटी सयाम। ये आपके ये क्लास सेवंथ के जो आपके लकार है वो तीन लकार, पट धातु, लट लकार, लंग लकार और लृट लकार रूप ही याद आपको करना है। आगे वाली कक्षाओं में आगे वाले लकार पढ़ेंगे, तब तक है आप तीनों लकारों के रूप आपको याद करना है। और ये जो लृट लकार का रूप और लट लकार का रूप एक ही समान है, थोड़ा सा अंतर है बीच में, बीच में जो है वर्ण लग रहे हैं, ये स में ई की मात्रा वगैरह ये सयति सयते लग रहे हैं, बाकी ये पीछे वाले जो जहाँ विसर्ग लग रहे हैं, जहाँ जैसी मात्रा लग रही है आगे पीछे, वैसे वैसे ये रूप बन रहा है।